महाराष्ट्र की खबर की ओर कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी सीईसी की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होगी। बीजेपी सीईसी की इस बैठक पर सबकी निगाह है। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और रणनीति बनेगी कि एक बार फिर से कैसे बीजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में लाई जाए। ललित कांडपाल जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। ललित, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और दिल्ली में सीईसी की बैठक बीजेपी की, क्या कुछ अपडेट, कितना खास है इस बैठक का होना और इस बैठक का एजेंडा क्या होगा? एजेंडा तो साफ है कि विधायक दल का नेता चुना जाना है और उसी को लेकर ये बैठक हो रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आज एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के टिकटों को लेकर फाइनल किया जाना है। कल झारखंड को लेकर बैठक हुई थी, रात को 12 बजे तक ये बैठक चली और बैठक चलने के बाद जो है झारखंड के टिकटों को फाइनल कर दिया गया है। माना जा रहा है कि आज कभी भी जो है सूची आ सकती है और वहीं दूसरी ओर आज महाराष्ट्र के नामों पर भी फाइनल मोहर लग जाएगी। महाराष्ट्र में एक चरण में जबकि झारखंड में दो चरण में मतदान होने हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ललित तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक आज दिल्ली में होगी, इस पर सबकी निगाह बनी है। दिल्ली में आज बीजेपी का मंथन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि नाम फाइनल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा तरीके के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक, बड़ी खबर, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं फाइनल। बैठक में आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में शिंदे गुट वाली शिवसेना प्लस बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो विपक्षी गठबंधन एमवीए ने अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में किया था। कांग्रेस गठबंधन उद्धव ठाकरे यूवीटी गुट का ये गठबंधन जो लगातार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दिया, लेकिन चुनौती अब विधानसभा की है।